नमस्कार, ईशान टाइम्स यूट्यूब चैनल्स और ईशान टाइम्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गाजीपुर जिले के अंतर्गत ये सैदपुर शहर है और बहुत ही नामी गिरामी है। सैदपुर को जाना जाता है एजुकेशन और एजुकेशनिस्ट और उद्योगपतियों का यह शहर रहा है और इस शहर से बहुत से, जिसे कहा जाएगा कि राजनीतिज्ञ भी अच्छे हुए हैं और उस शहर में ही आज मैं मौजूद हूं। और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा यहां पर पिछड़ापन था, जिसके बारे में बहुत से लोगों का था कि एक अच्छा स्कूल हो और एक अच्छी व्यवस्था हो जहां पे बच्चे आ सकें और बच्चों को नर्सरी से लेकर के और प्लस टू तक की शिक्षा एक ही जगह मिल सके। तो आज हम वेद इंटरनेशनल स्कूल में हैं और मेरे साथ हैं वेद इंटरनेशनल स्कूल के MD पंकज श्रीवास्तव जी, युवा हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं पंकज जी। और ईशान टाइम्स को आपसे बात करने के लिए सबसे पहले तो ये कि आप युवा हैं और युवा में जिस तरीके की आपकी, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या एजुकेशन, और जिस तरीके से हमें जानकारी मिली कि आप एक अच्छी जॉब को छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर बने और एंटरप्रेन्योर के साथ साथ इस विद्यालय के लिए शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं, तो बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, ब्रीफ करें कि दुनिया भी आपको जान सके, ईशान टाइम्स के दर्शक भी जान सके कि आपने क्या क्या कैसे कैसे यहाँ तक आप तक आए। पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को ईशान टाइम्स के नमस्कार करता हूँ और चीफ एडिटर सर संजय राय जी का अपने विद्यालय में स्वागत करता हूँ। जैसा सर आपने पूछा कि मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, तो क्योंकि मेरे फादर एक ऑफिसर रहे उत्तराखंड गवर्नमेंट में और मेरी सारी स्कूलिंग देहरादून से, वन ऑफ द रिनाउंड स्कूल जसवंत मॉडर्न जो CBSE बोर्ड का ओल्डेस्ट स्कूल है वहाँ से हुई। उसके बाद मैंने BTech कंप्यूटर साइंस में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री MBA सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे से की। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में गया। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 years मैंने जॉब करी और साढ़े छः साल जॉब करी बॉम्बे में और महिंद्रा कॉर्पोरेट में मैं था, महिंद्रा स्पेशल सर्विसेज के। और जो जिस तरह का मेरा प्रोफाइल था उसमें बिजनेस प्रोसेस स्टडी और ये सारी चीज़ें आती थी, तो कुछ बिजनेस की तरफ रुझान हुआ। फिर मैं क्योंकि हमारा पेरेंटल सब कुछ यहाँ सैदपुर से है, तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में पिताजी और माताजी के साथ यहाँ आता था अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के पास। तो एक लगाव शुरू से रहे हम जरूर देहरादून में और बड़े शहरों में, लेकिन अपनी भूमि के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए अटैचमेंट पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि हम इससे कनेक्टेड रहे, तो हमेशा रहा। जब मैं यहाँ आने की सोच रहा था तो मैंने ये सोचा कि मैं वहाँ पहुँचूँगा तो करूँगा क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे एशिया के सबसे ज़्यादा NIC पे लिस्टेड 3300 स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स गाजीपुर के हैं। मैंने यहाँ आने से पहले कुछ स्टडी किए। यहाँ जब मैं आया तो मैंने आसपास के 20 किलोमीटर्स के रेडियस में ट्रैवल किया और देखा कि यहाँ से बच्चे बड़े शहरों को पलायन कर रहे हैं, या तो फैमिलीज माइग्रेट कर रही हैं बनारस को या गाजीपुर को, या बच्चे डेली स्कूल बसेस से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं जाने में फिर आने में, और उनका मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट हो रहा है। क्योंकि स्कूलिंग, हेल्थ और एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि हर परिवार अपने बच्चे के लिए चाहता है। अगर हम बड़ा मोटिव देखें तो ये एक एग्रीकल्चर एरिया है और इंडिया इज नोन फॉर एग्रीकल्चर, तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स तो सोचती है फार्मर्स के लिए, लेकिन इस फार्मर्स को यहाँ रिटेन करने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उनकी फैमिलीज को अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए। अब एजुकेशन की सेक्टर में जब हम आते हैं तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पर CBSE के नाम पे CBSE करिकुलम, 2B एफिलिएटेड, कोई ओरिजिनल CBSE स्कूल था ही नहीं। ओके, मतलब एफिलिएटेड कहीं कहीं ना कहीं से अटैच होके चलते थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बच्चे हैं भी कि नहीं है कि आप जी है, क्या है? अच्छा, होता क्या है कि जब आप किसी एक्रीडेशन बॉडी से एक्रीडेट करते हैं तो उनके एक नॉर्म्स, जब आप उस नॉर्म्स में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल के टीचर्स को और स्कूल के एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट होता है कि आप एक अच्छे एजुकेशन को बच्चे तक होलिस्टिक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए CBSE अपने आप में पैन वर्ल्ड है, मतलब आज CBSE 29 स्कूल से शुरू होके 30,000 स्कूल हमारे CBSE के हो गए। अगर हम उस
जगह तक पहुंचे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और मैं एक बहुत ही गर्व के साथ फील करता हूं कि इंडिया के जितने टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं वो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं। तो क्योंकि हमारी जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी एफिलिएशन बायलॉज है, वो सीबीएसई ने इतना एक्सपीरियंस से बनाया है कि अगर कोई स्कूल जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है और वो गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक बेंचमार्क सेट करने के लिए एक पाथ होता है, तो उस पाथ पे चलने में आपको आसानी होती है, क्योंकि भाई आपको एक गाइडलाइन मिली है, आप उस पर फॉलो करेंगे। आप अगर यहाँ के स्कूल्स को देखें तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें, ऑलमोस्ट 8 to 9 months हम एक ऐसे एरिया में स्कूल चलाते हैं जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लासरूम्स बनाए। देखिए, आप देहरादून को अगर आप अच्छा एजुकेशन हब मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का इन्वायरमेंट बच्चों के फेवरेबल है। पता चलता है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और पंखा तो चल नहीं रहा, बच्चा पसीने में डूबा पड़ा है, तो ये अनकंफर्टेबिलिटी अगर बच्चे को मिलेगी तो उसका ऑब्वियसली उसका जो अटेंशन टूवर्ड स्टडी या टूवर्ड स्पोर्ट्स होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो हमने पहला फोकस ये किया कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्कूल बनाएं। तो अगर आप हमारे क्लासरूम्स को विजिट करेंगे तो हमारी किसी भी क्लास में कोई LED बल्ब या CFL नहीं लगे, वी यूज नेचुरल लाइट्स, वी यूज फैन जो कि 100% सोलर पे चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, रूरल एरिया था तो लाइट की कटौती थी। खैर, अब तो लाइट मिलने लगी। सोलर एनर्जी से आप 100% द स्कूल इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ गाजीपुर विच इज 100% ऑन सोलर। ओके, क्या ये जो ई एजुकेशन होती है, कुछ ई क्लासेस होती हैं, तो क्या उसका भी आप लोगों ने कुछ किया है? लेकिन ये हमारे अगर हम कब से किया बता, वी स्टार्टेड द स्कूल इन 2013। और अगर हम बैकग्राउंड को देखें कि मुझे नहीं लगता कि हमारी एज ग्रुप में या हमारी जनरेशन में बहुत लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, लेकिन उन्होंने रामन सागर जी की रामायण देख के उनको पूरी रामायण मालूम है। तो यही चीज़ अगर हम बच्चों पे अप्लाई करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय सीइंग, अगर वो बच्चा उस चीज़ को देखता है इंस्टेड ऑफ लिसनिंग, मतलब अगर रूट पहले के टीचर्स क्लास में गए, उन्होंने बुक खोली, उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया, उसके बाद अगर उसी का उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख जाता है, उसकी मूवीज क्लिप्स दिखती हैं, हाउ अ हार्ट इज शोन टू देम, तो उसकी जो लर्निंग की कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई हो जाती है और वो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसके साथ रहती है। तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, ठीक है, हमने रूरल एरिया में शुरू किया तो हमें शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आई, हमारे टीचर्स वेल इक्विप्ड किए, हमने कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर बच्चे को भेजते हैं तो पेरेंट्स की और हम भी ये जानते हैं कि इंग्लिश आज एक वर्ल्ड लैंग्वेज है और इंग्लिश को हर गार्जियन भी चाहता है, और हमारे बच्चे अगर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। जो आपने कहा कि पूर्वांचल में जो एक पिछड़ापन है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने स्कूल शुरू किया तो मैंने ऐसे बच्चों से पूछा कि वॉवल हाउ यू डिसाइड AEIOU, तो मैंने पूछा कि यूनिवर्सिटी में बताओ कि क्या आता है, Why it is, it should be A or it should be an? तो दे सकते it should be a university. तो मैंने पूछा यूनिवर्सिटी में अ तो लगा दिया है, लेकिन किस फॉर्मूले या किस डेरिवेशन के बेसिस पे लगाया, कैसे लगाया? तो उन्होंने कहा यहाँ य का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में हिंदी क्या कर रही है, अंग्रेजी हो गया। तो हमने ये देखा कि हमारे कुछ लोगों ने गलत पद्धति निकालते हुए एजुकेशन को पीछे किया। देखिए, लैंग्वेज हैज़ टू कम इन द सेम शेप विच हैज़ टू बी स्पोकन। हम करते क्या, हम हिंदी में सोचते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और तब बोलते हैं। आपको कोई भी लैंग्वेज बोलनी हो, आपको संस्कृत बोलनी है, भोजपुरी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, हिंदी बोलनी है, वो एक भाषा है, उस रूप में जब आपके जहन में और आपके दिमाग में आने लगेगी तो आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो हमने छोटी छोटी चीज़ें की, ये फॉर्मूले हटाए कि हिंदी को हटाओ भाई, इंग्लिश हिंदी अलग है, हिंदी की अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशन, इंग्लिश के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद हमने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी बंद करी। हमने कहा आप, बहुत सारे टीचर्स हमसे कहते थे कि सर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैंने कहा यार माउंटेन अगर पढ़ा रहे हो तो माउंटेन की बजाय यू मेक अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माउंटेन एंड यू शो देम कि इट्स अ ह्यूज पीस ऑफ रॉक, देर आर ट्रीज, देर इज रिवर फ्लोइंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग माउंटेन माने पहाड़। सो व्हेन यू आर टेलिंग देम कि दिस इज हाउ अ माउंटेन लुक्स लाइक, यू आर टीचिंग देम एटलीस्ट 5 to 6 इंग्लिश वर्ड्स एंड दे आर कम्युनिकेटिंग इट, सो दैट डिफरेंस वाज टू बी ब्रॉट।
चैलेंजेस क्या थे कि 2012 में शुरू किया जब छोटे छोटे बच्चों का हम इंटरव्यू लेते थे, तो वो अगर हम एनिमल्स की फ़ोटो दिखाएं तो वो कहते क्या थे कि जैसे मैंने पूछा बेटा ये क्या है, तो कहते थे ये बानर है, बंदर को बानर कहते। तो उस पीढ़ी को हमने पिछले 10 ईयर्स में ये कोशिश तो कर ली है कि बानर से बंदर और बंदर से मंकी पे तो ले आए, अब आगे की अचीवमेंट्स अभी बाकी हैं, जर्नी स्टिल इज गोइंग ऑन। लेकिन इसी दौरान हमने कम से कम 6 से 7 विदाउट कोचिंग IITs में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, नीट में भी सिलेक्शन हो रहे हैं, बच्चे यहाँ के आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं तो NDA में सिलेक्शन हो रहे हैं। तो एक मैं बहुत अच्छी चीज़ कहूँगा यहाँ की गार्जियंस के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए कि सर हमारे बच्चों में जो कैलिबर है वो बड़े शहरों के बच्चों में कैलिबर नहीं है। अगर मैं धूप में उनको 2 घंटे ट्रेनिंग करा देता हूँ तो बेहोश होकर नहीं गिरते। सो उन बच्चों का कैलिबर बहुत अच्छा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको निखारने की ज़रूरत है, जिसकी कोशिश हम रास्ता दिखाने के लिए। अगर आप उन्हें वो पार्क दिखा पाएंगे, अगर उनके टीचर वो पार्क दिखा पा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट इस एरिया को मिलेगा। और रही बात अगर हम आज की तारीख में देखें तो हमारे 2-2 गवर्नर साहब हमारे सैदपुर गाजीपुर के धरती से हैं, आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी इस समय LG जम्मू एंड कश्मीर हैं, देश के ताज पे वो बैठे हैं, और आदरणीय श्री कलराज मिश्रा जी इस समय गवर्नर राजस्थान हैं। तो वो भी इसी जगह से निकली, उनकी एजुकेशन सिस्टम ही होगी, और बाहर बगल में मालवीय जी की बगिया के फूल रहे वो लोग BHU के। तो एजुकेशन के लिए पूर्वांचल नो डाउट बहुत ही शुरू से, अगर ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। तो हमसे कई बार लोगों ने कहा कि इसको कॉलेज बनाओ, डिग्री कॉलेज खोलो, हमने कहा हमें ग्रास रूट पे काम करना है ताकि हमारे ये बच्चे जब उस लेवल पे जाएं, ग्लोबल लेवल पे जाएं, तो इसका बेनिफिट बच्चों को। प्राइमरी पढ़ाई ठीक होगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे, जो बच्चे बड़ा कमजोर है तो आगे जाके पिछड़ जाते हैं पीछे, फिर उसको कोचिंग की जरूरत पड़ती है और सब की जरूरत पड़ती है। जब आप यहाँ पर ये करने के लिए आए तो क्या जैसे स्कूल्स में, जैसे हम गवर्नमेंट स्कूलों में देखते हैं और जगह देखते हैं कि वहाँ पर लैब्स नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, वहाँ पर आपके साथ फिजिक्स लैब नहीं है, बायोलॉजिकल लैब नहीं है जो इसको जीव विज्ञान कहते हैं, या केमिस्ट्री लैब नहीं है, तो उसको क्या अपने अपने स्कूल में दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये गाजीपुर का पहला इंटरनेशनल स्कूल है। अब मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन वेद इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वर्ड यूज़ करने वाला या अपने टाइटल में यूज़ करने वाला ये गाजीपुर का पहला स्कूल है। उसका एक रीज़न है, लोगों ने इंटरनेशनल क्यों ये कॉन्सेप्ट को यूज़ किया उसके पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा समय, उसके पीछे इसलिए जाना होगा क्योंकि हमारे 3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से टाई अप है पहले तो। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के साथ है मुहि हमारा संग, ETL एक स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम है, इंग्लिश ट्रेनिंग लर्निंग प्रोग्राम, उसका है हमारे टाई अप है। तो आपने जैसे लैब्स की बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी लैब्स और पेपर पर चलती है, लेकिन मैंने आपसे फिर कहा ना कि CBSE का सबसे बड़ा ये गाजीपुर का सेंटर रहता है बोर्ड एग्जाम का। और CBSE के इतने नॉर्म्स हैं कि फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथमेटिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, कंपोजिट साइंस लैब जो क्लास 10 तक के लिए होती है वो लैब हमारे पास है, अभी हमने रोबोटिक्स लैब भी इन्वेंट किया है इस साल से अपने रोबोटिक के लिए, और कोडिंग लैब भी हमारे टाइप हुए हैं जो इस साल से NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपने सुना होगा उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इस साल के करिकुलम को हम लोग डिजाइन कर चुके हैं और इस साल से वो चीज़ें आएगी। अभी आपको एक बहुत अच्छी बात बढ़ाना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये सोच लिया जाता है कि बच्चा एकदम अंग्रेज बन के निकले। अभी हमारा टाइप डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ हुआ है, आपको मालूम ही है कि उस शख्स ने हिंदी को किस प्लेटफॉर्म पे ला दिया और आज लोग उनको सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अपने अपने राम उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके द्वारा रचित किताब अमृत कक्षा 1 से 8 इस सत्र से मेरे यहाँ लगा दी गई और उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें उस पर हमें सिखाई, मेरे पर्सनल इंट्रैक्शन हुआ। देखिए आजकल हम कहने लगे हैं, जैसे आपने लैब्स की बात करी, देखिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हम कह रहे हैं बच्चे आजकल एग्रेसिव हो रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। देखिए पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, कोविड पीरियड आया, ऑनलाइन का मॉड्यूल आया, तो हमने और आप ही ने कहा कि बच्चे को मोबाइल दो। अब लेकिन क्या हमने कंटेंट कंट्रोलिंग उनके ऊपर की कि बच्चा किस कंटेंट पे जा रहा है? तो कहीं ना कहीं हम क्या बुक्स लगा रहे हैं, क्या
स्मार्ट क्लासेस में कंटेंट दे रहे हैं, क्या लैब्स में प्रैक्टिकल करा रहे हैं, देखिए उसके कंटेंट की क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो तभी हो सकती है जब आपके जो एजुकेटर्स हैं वो फुली इक्विप्ड है विद द कंटेंट। आप एक बढ़िया हॉस्पिटल बना लीजिए, बढ़िया डॉक्टर रख लीजिए, लेकिन अगर दवाइयाँ आपने लोकल रखी तो रिजल्ट आपको मालूम है कि क्या होगी। तो एवरी थ्री पैरामीटर्स हैव टू बी गुड, द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी गुड, द टीचर्स हैव टू बी गुड, एंड द कंटेंट व्हिच द स्टूडेंट इज गेटिंग। आपके स्कूल को विजिट करते हुए हमने देखा कि आपने म्यूजिक के लिए भी कुछ एक आपने रूम्स बनाया है, म्यूजिक टीचर्स भी रखे हुए, क्या बच्चे वहाँ म्यूजिक पे भी ध्यान देते हैं? बिल्कुल, देखिए स्कूल सर मेरा ये मानना है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट का काम है, सिर्फ पढ़ाना ही स्कूल का काम नहीं होता। अगर पढ़ाना स्कूल का काम होता तो ट्यूशन्स हैं, टीचर लगा दीजिए आप बढ़िया से बढ़िया, और आप अच्छे सब्जेक्ट नॉलेज कर लीजिए। देखिए होता क्या है कि स्कूल एक इन्वायरमेंट होता है, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के हुनर को खोजे। एवरीबडी कैसे परखे, एवरीबडी कैन नॉट बिकम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंड एवरीबडी कैन नॉट बिकम सचिन तेंदुलकर, एवरीबडी कैन नॉट बिकम लता मंगेशकर। कहीं ना कहीं उनके गुरुओं ने उनकी इस हुनर को कहीं ना कहीं पकड़ लिया। अब हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि मेरी पूरी असेंबली, मेरे स्कूल के बच्चे स्वयं इंस्ट्रूमेंट बजा के करते हैं। ओके, जब हमारी सीबीएसई की इंस्पेक्शन हो रही थी तो क्योंकि बच्चे थोड़े कलरफुल ड्रेस पहने हुए थे, तो जब इंस्पेक्शन टीम आई तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, उन्होंने पूछा कि ये क्या बाहर से आर्टिस्ट बुला के तुमने असेंबली कराई क्या? मैंने कहा सर ये सारे बच्चे स्कूल की आई कार्ड है, क्या आप चेक कर सकते हैं। तो म्यूजिक, अगर देखिए म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे को थोड़ा काम करती है, सीखने की आदत को ललक को पैदा करती है, अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, बच्चा सीखने की हैबिट को अपने अंदर इनकल्पेट कर रहा है, तब आपका जॉब और इजी होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर आपने उस हैबिट को डेवलप कर लिया। तो जब आप उसको पढ़ाएंगे तो वही ध्यान उसको, देखिए जीतना सिखाना है बच्चों, और जब वो जीतना सीख जाएगा तो मुझे लगता है कि वो लाइफ में अपने अच्छा ही करेगा। और मैं अगर अपने दोस्तों को देखूँ, हो सकता है मेरे से पढ़ने में कहीं कम रहे होंगे, मेरे से कम नंबर लाते रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि एज अ बिजनेसमैन दे आर मोर सक्सेसफुल देन मी, दे आर एट अ बेटर प्लेस देन मी, और हो सकता है कि मुझसे पढ़ने में कोई बहुत तेज रहा हो लेकिन आज शायद उतने आगे ना हो। तो देखिए रिपोर्ट कार्ड से बच्चे को नहीं जज करना चाहिए, बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस बच्चे को उसके लिए प्रमोट करना चाहिए। हाँ, गलत पे उसको टोकना भी चाहिए कि तुम यहाँ गलत हो। एक चीज आती है कि आपके यहाँ फिजिकल एजुकेशन, आजकल बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, उस पर क्या कुछ ध्यान दिया आपने? देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ के बच्चों में, मैंने दो घंटे वाली ट्रेनिंग की भी बात अभी कही पिछले क्वेश्चन में, स्पोर्ट्स का स्पेशल ध्यान हम देते हैं, क्योंकि अगर हम सीबीएसई की भी बात करें, सीबीएसई क्लस्टर्स में भी हमारी टीम जीत के आती है। अभी आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि नेशनल कॉन्किडो चैंपियनशिप में हमारी यूपी की टीम सेकंड रनर अप रही, और नेशनल टीम का सिलेक्शन यूपी का इसी स्कूल के प्रांगण में अभी नवंबर मंथ में हुआ था, फिर उसका फाइनल नेशनल तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, और लगभग 40-50% बच्चे हमारे जनपद के थे। ओके, और कॉन्किडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है, और बच्चे के अंदर इतना हुनर है, जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, ये जो ग्रास रूट के गेम हैं जिनको हम कहीं ना कहीं भूलते जाते हैं, क्रिकेट, अब देखिए सूर्य कुमार यादव जी हमारे यहीं बगल के सिधौना के हैं, आज क्रिकेट में नाम कमा रहे हैं, हमारे यहाँ इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है यहीं टर्फ का बना हुआ, कई हॉकी प्लेयर्स निकल चुके हैं, तो स्पोर्ट्स तो यहाँ की जीन्स में है। और हमारे बच्चे, अभी हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट भी खत्म हुआ, अभी हम दो इंटरनेशनल सब मिला के बच्चों को बिल्कुल आपने दिया हुआ है, अध्याय नर्सरी से लेकर के और सभी बच्चों को थोड़ा टाइम दिया जाता है, बिल्कुल एवरी डे दे हैव अ स्पोर्ट्स पीरियड, एवरी डे इट इज मैंडेटरी फॉर देम। ट्रेंड आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, और प्लस हमारी टाई सर हमारी टाई अप विद स्पेशल स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ है, और मेरे जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर अमित सिंह, ही इज अ वेरी रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, एजुकेशनिस्ट इन स्पोर्ट्स इज माई स्पोर्ट्स डायरेक्टर। तो हमने किया क्या, लोगों ने कहा है कि बाहर से लाओ, बाहर से स्टाफ लाओ, हमने यहाँ के लोगों को ढूंढा जो बाहर थे, उनको बुलाया वापस, उनको तलाशा और उनको तराशा। क्योंकि देखिए आप बाहर के लोगों को लाएंगे, कुछ जगह पे आपको बाहर के लोगों की जरूरत पड़ती है, तो हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लाते रहते हैं, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स को लाते हैं, और जैसे आप हमारे पास चंडीगढ़ से आए तो आप कहीं ना कहीं हमें एक नॉलेज गेन करके जाएंगे,
हमें कहीं ना कहीं इनबिल्ड करेंगे, आप हमारे टीचर्स को कुछ ना कुछ नया बताएंगे। तो देखिए इस तरह के विजिटर्स के आने से कहीं ना कहीं बहुत एक्सपोजर मिलता है, और जब वो एक्सपोजर हमारे स्टाफ को मिलता है तो वो डाउन बच्चों को मिलना शुरू हो जाता है। बात आपके स्टाफ की, आज इतना बेरोजगारी है, कितना स्टाफ आपने, कितने लोगों को रोजगार दिया है लगभग? अगर आप मुझे भी स्टाफ ही माने, क्योंकि ये मेरे फादर का ड्रीम था, मेरे फादर के साथ साथ मेरे ग्रैंड फादर का ड्रीम था। जब हम लोग छोटे थे तो वो कभी देहरादून आते थे तो हम लोगों को बड़े लाइन से स्कूल में जाते हुए देखते थे, तो मेरे पिताजी से पूछते थे कि क्या कभी ऐसा स्कूल वहाँ हमारे गांव में हो पाएगा। अच्छा, उस समय मैं ये समझ भी नहीं पाता था कि वो क्या कहते थे और क्यों कहते थे। अगर आप देखें स्कूल का नाम, तो मेरे लेट ग्रैंड फादर स्वर्गीय वेद प्रकाश श्रीवास्तव, जो यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी रहे सैदपुर तहसील में, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम से शुरू हुआ। और वेद, क्योंकि एजुकेशन के बारे में, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में वेदों से, चारों वेद हमारे चार हाउसेज हैं वो भी वेद है। अब मैं आता हूँ कि उनके विजन के हिसाब से, तो मैं आज भी अपने आप को ये नहीं सोचता कि मैं स्कूल का ओनर हूँ कि डायरेक्टर हूँ। मैं यही मानता हूँ कि मैं भी एक स्कूल का स्टाफ हूँ और मैं भी यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। तो मुझे मिलाते हुए यहाँ टोटल 102 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें नियर अबाउट 45 हमारा टीचिंग स्टाफ है, नियर अबाउट 30 हमारा ड्राइवर कंडक्टर्स का स्टाफ है, 75 जो हो जाते हैं, और फिर एडमिन स्टाफ 15 के आसपास है, और रेस्ट जो बचते हैं वो हमारे हेल्पिंग स्टाफ हैं और गार्ड्स हैं। और ये जरूर कहूँगा कि एक एम्प्लॉयमेंट देने की भी हमने कोशिश की है। और एक और एग्जाम्पल दूंगा कि जिस जो हमेशा मेरे लिए एक मोटिवेशनल रहता है, कि मेरे पास एक ग्रैंड मदर आई थी, उनके पोते यहाँ पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, और उनका इस क्षेत्र का बहुत ही यूपी बोर्ड का रिनाउंड स्कूल है। तो उन्होंने आके मुझसे ये कहा कि बेटा तू हमारे घरवा बिखरे से बचा ही लेगा। मैंने कहा क्या किया मैंने दादी ऐसा? उन्होंने कहा कि मेरी जो बहुएँ हैं मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बनारस शिफ्ट होना चाह रही थी, तो हम बुजुर्ग लोग यहाँ रह गए होते, मेरे बेटे बहू बनारस चले हुए होते, अब तुमने ये स्कूल खोल दिया तो मेरा परिवार एकत्रित होकर रह रहा है। तो वो आशीर्वाद जो उन्होंने दिया वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए मोटिवेशनल रहता है, और उनकी कही बातें हमेशा याद रहती हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे ग्रैंडफादर या हमारे क्षेत्र में या हमारे क्षेत्र के लोगों को कभी भी हमसे कोई शिकायत हो। एक चीज़ है, यहाँ पर कोई बोर्डिंग स्कूल टाइप का, जिससे कि छात्रावास भी बच्चे हों, बहुत से लोग आते हैं कि बच्चे यहाँ हैं, सपोज आपने अपने सैदपुर के आसपास 20 किलोमीटर, इस तरीके के स्कूल्स जैसे कि मऊ डिस्ट्रिक्ट बगल में है या अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ बिहार बक्सर का एरिया है, कुछ बनारस का भी है, अगर बोर्डिंग का कुछ आपने ड्रीम है क्या कुछ करने का? अभी भविष्य में तो ऐसा सोचा नहीं है, लोग मेरे से आते जरूर हैं कि आपकी फ्रेंचाइजी ले लूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है, मैं अभी तो ऐसी सोच में हूँ, शायद आगे मैं फ्यूचर रियलिस्टिक होकर नहीं कह सकता, कि दून स्कूल एक ही, जिसको दून स्कूल में पढ़ना होता है वो देहरादून जाता है। मेरा विजन ये है या हमारी मैनेजमेंट का विजन ये है कि वेद इंटरनेशनल स्कूल एक ही रहेगा। ओके, आज जिसको पढ़ना होगा वो इस स्कूल में आएगा। लोग कहते हैं कि छात्रावास, मैं आप उसी कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है 10+2 की पढ़ाई तक बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहे। ओके, और हाँ मैं डे बोर्डिंग जरूर सोच रहा हूँ कि जहाँ बच्चे सुबह आ जाएँ शाम तक मेरे पास रहें, क्योंकि उनका कल्चर, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि आप उन स्कूल में मेहनत कर रहे हो लेकिन घर आते हैं तो फिर उसी तरह की लोकैलिटी वाले बच्चे मिल जाते हैं या उस तरह का एनवायरनमेंट है, तो जो आप मेहनत करते हो वो जीरो हो जाती है। जैसे हमने दिन में सिखाया प्लीज थ्रो द बॉल, और शाम को कोई बच्चे मिल गए या किसी चाचा या अंकल ने उनसे कह दिया कि तीन गेंदवा उठा के दा, तो वो मेहनत आपकी जीरो पे हो जाती है। तो डे बोर्डिंग जरूर हम सोच रहे हैं, लेकिन बोर्डिंग के लिए भी मेरी ये मानना है कि जो स्पेशली जो 20 किलोमीटर के रेडियस में लोग हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ 10+2 तक रहें, इसलिए रहें कि वो इमोशनल क्वोशेंट पेरेंट्स का नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि शायद इस तरह के इमोशनल क्वोशेंट खत्म होने की वजह से ही आज हमें ओल्ड एज होम्स मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 10+2 तक बच्चे रहें, क्योंकि फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर जाना है, तो जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं बच्चे के अंदर, फैमिली की तरफ डेवलप होना और फैमिली की तरफ सेंसेशन होना, वो कहीं ना कहीं फिर मिस होता है, और फिर वो लेटर स्टेज पे बच्चा विदेश में कमाने चला गया, शादी हो गई, पता चला बुजुर्ग माँ बाप यहाँ हैं, और कितनी घटनाएं हो रही हैं आपको कि पेरेंट्स के पास दे पास अवे एंड देवर नॉट अवेयर, एक महीने बाद पड़ोसी ने बताया कि भाई कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो इस तरह की सिचुएशन इन्हीं सब कल्चर की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा देश कई बार गुलाम हुआ लेकिन हर बार एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है, हमारे देश के कल्चर जो जिसने हमें
हमेशा सस्टेन किया वापस, तो कल्चर पे कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक सवाल अभी ये आता है कि जैसे आपको ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अच्छी शिक्षा दी है, लोगों में डर होगा कि बहुत ज़्यादा फीस होगी, कि फीस है हमें उस पर, मैं यहाँ क्षेत्रीय भाषा वालों के वो स्कूलों में इतना फीस है, हम कैसे जाएंगे, हम बच्चों को वहाँ कैसे भर्ती कर पाएंगे, तो उस फीस शिक्षा स्ट्रक्चर में कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस हो या कुछ हो, अपना फीस का स्ट्रक्चर कितना है। और ये भी होता है कि बहुत से पेरेंट्स होते होंगे कि उनकी फीस से ना दे पाते हो, इतना भी लॉसेज हो स्कूल का मैनेजमेंट का होता होगा, कुछ ऐसी चीज़ आपके पास आई क्या? जी, बहुत ही आपने ज्वलंत मुद्दा उठा दिया, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न भी था, शायद इससे मैं एक दूर तक समाज तक एक संदेश भी दे पाऊँ। देखिए, हमारी फीस स्ट्रक्चर 1200 रुपये से शुरू होकर 2800 रुपये तक खत्म हो जाती है। कक्षा नर्सरी की फीस लगभग 1200 रुपये से शुरू होकर 12th तक की फीस हमारी 2800 तक मंथली फीस खत्म हो जाती है। देखिए, पैसा अगर बनाना होता या पैसा कमाने के लिए स्कूल खोलना होता तो स्कूल में देहरादून खोल लेता और इससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा फीस होती, 10 गुना ज़्यादा फीस, और अगर वहाँ 100 बच्चे भी पढ़ते तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन होता। देखिए, सोच थी इस ग्रामीण अंचल को और इस ग्रामीण क्षेत्र को ओरिजिनल CBSE एफिलिएटेड स्कूल में बच्चे पढ़ें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि फीस, क्योंकि भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप कहीं ना कहीं उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये माइंडसेट बनाना कि फीस बहुत महंगी होगी, तो ये मैंने कोशिश ये की है कि ये पेरेंट्स के जहन तक चली जा रहा कि क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरेंट्स अगर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, आज हमारे यहाँ 1100 बच्चे हैं, अगर अफोर्डेबल फीस नहीं होती तो शायद 1100 बच्चे नहीं होते। दूसरी चीज़, हाँ, कोविड पीरियड में कुछ चीज़ें आई ऐसी कि जहाँ पर पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हुई, हमें भी, तो हम ये मानते हैं कि हमने और पेरेंट्स ने एक ज्वाइंट वेंचर की तरह काम किया और पेरेंट्स से हमने स्पेशली कह दिया कि आप जितना सपोर्ट कर पाते हो आप कर लो, हमने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया, हमने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया, हमने कहा जितना आप सपोर्ट हमें करेंगे ये सस्टेन हम कर पाएंगे। तो यहाँ जो जितनी फीस जितने महीनों की दे सकेंगे महीने की दे सकें जितनी आप अफोर्ड करो, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल मैनेजमेंट का ही हुआ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई था वो जो दे सकता था, जिसकी सैलरी आ रही थी उसको लिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम अनाज नहीं बेच पाए हैं तो किसी ने अनाज दिया, जैसे करके मतलब किसी की पढ़ाई रुकी नहीं और ये सोच के कभी किया नहीं। और हमारे क्षेत्र के अगर कोई सम्मानित व्यक्ति बताते हैं कि ये बच्चे के अंदर काबिलियत है या विद्या, बेटी होने के कारण नहीं पढ़ पा रही है, तो मैनेजमेंट ने हमें ये छूट दे रखी है, हमारे ट्रस्ट ने, श्री विवेक फाउंडेशन ने ये छूट दे रखी है कि ऐसी प्रतिभाओं को शिक्षा से ना वंचित किया जाए। ओके, हमारे यहाँ RTE के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट चॉइस रहता है RTE के अंदर में आपका स्कूल, तो पैसा सेकेंडरी होता है। मैं तो, मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए बैंक में गारंटर पढ़ा हूँ, जो IIT में सेलेक्ट हो गए और उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनका स्टूडेंट लोन भी करा के मैं सिर्फ गारंटर बना हूँ। तो क्योंकि एक बच्चा था अभी लास्ट ईयर, उसके फादर एक स्कूटर मैकेनिक थे, IIT की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उसका मैंने एक बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से लोन कराया, जहाँ हमारे अकाउंट से मैनेजर साहब ने हेल्प करी, तो हमने एज ए गारंटर भी, अब बच्चा IIT पढ़ेगा तो ऑब्वियसली अपना लोन तो भर ही लेगा ना। एक चीज़ आती है कि जैसे कि कुछ रिटायर्ड टीचर्स, अच्छे टीचर्स होते हैं, घरों में बैठे, रिटायरमेंट होने के बाद उन लोग के मेरे बैठे, अब रिटायर होकर घर में बैठे, कहा जाए कि अब रिटायरमेंट की लाइफ जीना है मुझे घर पे रहना, लेकिन उनके अंदर का जो दिमाग है, जो की सोच है, पहले हम लोग टीचर्स दिखते थे कि वो लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, वो दुनिया को पढ़ा डालते थे, फिर मार कूट के भी हम लोगों ने, हमारी खुद की शिक्षा हुई है तो हमें मार भी पड़ी, आज मारना पीटना तो बहुत दूर की बात हो रही है, लेकिन आज जो वो टीचर्स हैं, क्या उन लोगों को भी अपने अपने से जोड़ने की कोशिश किया है? देखिए, पहला एग्जाम्पल तो मेरे फादर से ही शुरू होता है, 2016 में रिटायर हुए, उसके बाद जो उनका अनुभव और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मुझे मिलती है वो मुझको कम मिलती है, वो स्कूल को ज़्यादा मिलती है। जैसे अब हम लोग जॉब करके आए थे, ऑफिस कल्चर मालूम था, लेकिन ऑफिस सेटअप कैसा होता है ये नहीं मालूम था। सेकेंडली, मेरे एक सर थे, वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो मैं जब भी उनके यहाँ पढ़ने जाता था तो मैं जब डोरबेल पर जाता था तो वो हमेशा बुक उनके हाथ में होती, मतलब मैं कभी गया हूँ उनके घर में और उनके हाथ में बुक ना रही, वो कुछ ना कुछ पढ़ते हुए मुझे मिले। तो मेरा ये मानना है, तो जो भी इस तरह की प्रतिभाएं हमारे हैं, जो भी रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं,
उनका हम बिल्कुल रेगुलर सहयोग लेते हैं, उनको एज अ विजिटिंग फैकल्टीज लाते हैं और उनसे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलाते हैं, क्योंकि कभी कभी उनकी हेल्थ इतनी अलाउ नहीं करती कि वो लगातार दिन भर लेक्चर दे पाए, तो ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम हम चलाते हैं जहाँ पर वो आते हैं और वो हमारे टीचर्स को ट्रेन करते हैं, और उसको ट्रेन ही नहीं करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। आप शायद ताज्जुब करेंगे कि दो तीन चीज़ें यूनिक हैं इस स्कूल में, ये मैं और किसी शहर के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन गाजीपुर में तो पक्का ये पहला स्कूल है जहाँ पर एक डेडिकेटेड IT डिपार्टमेंट है, IT टीम अलग काम करती है, ट्रेनिंग टीम अलग है जो HR डिपार्टमेंट हमारा देखता है, और साथ ही साथ हम अपने टीचर्स के डेवलपमेंट में डेली टू डेली एक्टिविटी रखते हैं, ताकि अगर टीचर डेवलप्ड रहेंगे, टीचर लेटेस्ट चीज़ों से अवेयर रहेंगे तो वो बच्चों को दे पाएंगे। सो जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज रिक्वायर्ड इन दीज डेज। जिस तरीके से आपने देखा कि एक युवा के मन में जो सपना होता है, जो चीज़ से सीखी है और सीख करके अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिसे कहे जिले के लिए, जिला जब डेवलपमेंट होगा तो प्रदेश होगा, प्रदेश होगा तो देश होगा, तो जिससे कि जड़ को मजबूत करने के लिए युवा अपनी अच्छी नौकरी को छोड़ करके एक स्कूल को बनाने का सपना देता है और देखा है, दिया है, उसमें हम देखिए उनका प्रोत्साहन वर्धन उत्साहवर्धन करेंगे कि वो इस तरह से और आगे बढ़ें, और युवाओं को भी इनसे इंस्पायर होना पड़ेगा कि किस तरीके से अच्छे पैकेज की जॉब छोड़ करके और आकर के एक स्कूल खोलना, गांव में बिल्डिंग्स को बनाना करना, हर चीज़ को स्ट्रक्चर को खड़ा करना, करोड़ों रुपए लगते हैं, उनको सहयोग मिला होगा, नहीं मिला होगा, किस तरीके से क्या किया होगा, लेकिन आज एक सपना पूर्ण हो रहा है और लोगों को पढ़ाने का काम हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि पंकज को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, और इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इसको लाइक